दोस्तों, इस दुनिया में शादी और शारीरिक संबंधों को लेकर अलग अलग देशों में अजीब अजीब तरीके के कानून बने हुए हैं। कुछ देश ऐसे भी हैं जहां शारीरिक संबंधों पर सार्वजनिक चर्चा बिल्कुल नहीं होती, वहां शारीरिक संबंधों पर हजारों पाबंदियां हैं। लेकिन कुछ देश ऐसे भी हैं जहां शारीरिक संबंधों को एक सामान्य प्रक्रिया के तौर पर लिया जाता है। ऐसे देशों में सेक्स को लेकर खुलापन है। इन देशों में शारीरिक संबंधों को लेकर बने कानून भी अजीबोगरीब हैं। कहीं सुहागरात के दौरान दुल्हन की मां को कमरे में रहने की परंपरा है, तो कहीं हस्तमैथुन के लिए मृत्युदंड की सजा तक का प्रावधान है। लेकिन दोस्तों, आज हम एक ऐसे शहर के बारे में आपको बताने वाले हैं जहां पर वैश्यावृत्ति एक उद्योग की तरह फैल चुका है। इस शहर में सेक्स इतना सस्ता हो गया है कि मात्र 15 पाउंड के बदले इसे पाया जा सकता है। इस शहर में असुरक्षित गुदा मैथुन के लिए महिलाएं मात्र 10 पाउंड अधिक लेती हैं। यहां के ज्यादातर स्थानों पर बहुत कम उम्र की लड़कियां भी अपनी सेवाएं देती हैं और यहां पर वैश्याएं अपने ग्राहकों को अगली बार आने के लिए 50% छूट का वाउचर भी देती हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप अभी बच्चे हैं तो कृपया करके इस वीडियो को यहीं पर बंद कर दें, क्योंकि ये केवल वयस्कों के लिए ही बनाई गई है। दोस्तों, जिस शहर के बारे में हम आपको बताने वाले हैं उसका नाम है लंदन। दोस्तों, लंदन इंग्लैंड की राजधानी और यह संसार के नक्शे पर एक महत्वपूर्ण बिंदु भी है, क्योंकि यह उस ब्रिटिश साम्राज्य की राजधानी रह चुका है जिसके राज्य में कभी भी सूरज नहीं डूबता था। भले ही दूसरे विश्व युद्ध के बाद लंदन का महत्व कम हो गया हो, पर आज भी यह आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक, मनोरंजन, फैशन और मीडिया के लिहाज से एक ग्लोबल शहर का दर्जा रखता है। और दोस्तों, आज हम आपको लंदन शहर से जुड़ी ऐसी ही अमेजिंग बातें बताने वाले हैं। दोस्तों, लंदन में वैश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं और लड़कियों के कल्याण हेतु काम करने वाली एक संस्था ने शहर के 900 से अधिक वैश्यालयों का सर्वेक्षण किया और पाया कि शहर में असुरक्षित गुदा मैथुन के लिए महिलाएं मात्र 10 पाउंड अधिक लेती हैं। शोधकर्ताओं ने संभावित ग्राहक बनकर 921 वैश्यालयों में फोन किए और पता लगाया कि सेक्स के लिए लंदन में 77 विभिन्न संस्कृतियों से जुड़ी महिलाएं इस काम से जुड़ी हुई हैं। इनमें से ज्यादातर पूर्वी यूरोप और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की हैं। शोध से यह बात साफ होती है कि लंदन के प्रत्येक कोने में सेक्स उद्योग मौजूद है। इनमें से ज्यादातर स्थानों पर बहुत छोटी आयु की लड़कियां भी अपनी सेवाएं देती हैं। व्यावसायिक सेक्स को लड़कियों, महिलाओं के लिए ग्लैमरस, सरल और मौज मस्ती भरा काम बताने वाले विज्ञापनों से भी इस उद्योग को बढ़ावा मिला है। परंतु जो महिलाएं इस काम को चुनती हैं, उनमें से ज्यादातर गरीबी, हिंसा और जबरदस्ती इस काम में लगा दी जाती हैं। औसत रूप से सेक्स के लिए न्यूनतम 62 पाउंड की राशि जरूरी होती है। इस संबंध में खास बात यह है कि जिन वैश्यालयों का सर्वे किया गया उनमें ज्यादातर रिहायशी इलाकों में स्थित होते हैं। एक वैश्यालय से जुड़े सूत्रों ने बताया कि मैं पहली बार आने वाले अपने ग्राहकों को अगली बार आने के लिए 50% छूट का वाउचर भी देती हैं। दोस्तों, इंग्लैंड की राजधानी लंदन को दुनिया के सबसे आलीशान शहरों में से एक माना जाता है। लंदन एक ऐसा शहर है जहां कुल 72 अरबपति रहते हैं, जो कि दुनिया के किसी और शहर से काफी ज्यादा हैं। लंदन को दुनिया का फाइनेंशियल शहर भी कहा जाता है। लंदन में स्थित बंकिंगम पैलेस को दुनिया के सबसे महंगे घरों में शुमार किया गया है, जिसकी कीमत लगभग 10 अरब से भी ज्यादा है। इस घर के मालिक लंदन के राजवंशी थे। अब दोस्तों, आपको शायद ये बात हैरान कर दे, दुनिया का सबसे पुराना चिड़ियाघर लंदन में ही 1828 में बनाया गया था। और दोस्तों, लंदन को रोमानिया के लोगों द्वारा बसाया गया, जिन्होंने इसका नाम लंदेनियम रखा था। और दोस्तों, ये बात सुनकर शायद आपको थोड़ी हंसी आ जाए कि लंदन के कानून के मुताबिक लंदन के संसद भवन में, यानी के पैलेस ऑफ वेस्ट मिनिस्ट्री में मरना गैर कानूनी है। मगर सोचने की बात ये है, अगर लंदन के संसद भवन में कोई मर गया तो उसके बाद उसे कौन सी सजा दी जा सकती है। साल 2016 में लंदन को रहने के लिए छठा सबसे महंगा शहर बताया गया। दोस्तों, लंदन में स्थित आइकन झूला दुनिया का सबसे बड़ा झूला माना जाता है, जिसकी ऊंचाई लगभग 135 मीटर है। इस झूले को एक चक्कर पूरा करने में आधा घंटा तो लग ही जाता है। दोस्तों, लंदन दुनिया का एक ऐसा शहर है जिसने सबसे पहली बार
भूमिगत ट्रेन यानी अंडरग्राउंड ट्रेन चलाई थी। साल 1952 में 5 दिसंबर से लेकर 9 दिसंबर तक प्रदूषण यहां इतना ज्यादा बढ़ गया था कि इस शहर में 12,000 लोगों की जान चली गई थी। इसीलिए लंदन के लोग इसे ब्लैक स्मोक के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, लंदन का इतिहास ही नहीं बल्कि सड़कें भी शानदार हैं। वैसे तो लंदन में इंग्लिश में ही बात करी जाती है, पर इसके अलावा भी लंदन में 180 से ज्यादा भाषाओं का इस्तेमाल होता है। दोस्तों, आपको ये बात चौंका सकती है कि लंदन में भारतीयों की संख्या बहुत ज्यादा है और बहुत से भारतीय लंदन शहर में बस चुके हैं। लंदन की कुल आबादी में 6% भारतीय लोगों की आबादी ही है। और ये बात तो और ज्यादा हैरान कर देने वाली है कि जितने रेस्टोरेंट दिल्ली और मुंबई में हैं, उससे भी ज्यादा भारतीय रेस्टोरेंट लंदन में मौजूद हैं। यह शहर पहले ही खूबसूरती से भरा पड़ा है, लेकिन इसकी सुंदरता और भी ज्यादा क्रिसमस के मौके पर बढ़ जाती है। पूरा शहर लाइटों से जगमगा उठता है और इस अवसर पर टूरिस्ट का तांता सा लग जाता है। दोस्तों, लंदन की मेट्रो ट्रेन ड्राइवर नहीं चलाते, यह ऑटोमेटिक चलती है। लंदन में आपको दुनिया के हर देश से आकर बसे हुए लोग मिल जाएंगे, जैसे कि अपने देश भारत में मिलते हैं। अभी के समय में लंदन की आबादी 1 करोड़ के लगभग है। तो दोस्तों, आपको ये लंदन शहर कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा, और साथ ही साथ इस वीडियो को भी लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।